अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जी आप लोग बताएं कि कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि अफ्तारी जो है ना किसी के घर जाके करना बड़ा आसान है, लेकिन यह कि जब खुद जो है ना अफ्तारी होस्ट की हो ना उसको जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और जी कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी हमारे घर बन रही है मज़े मज़े की डिशेज़। मज़े मज़े की डिशेज़ क्यों बन रही हैं? क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, ठीक है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो कि आज आ रहे हैं हमारे घर फर्स्ट टाइम अफ्तारी पे। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को जानते होंगे, उनका एक नाम है माशाल्लाह से। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन आ रहा है हमारे घर। आ रहे हैं जी सदाकत भाई, उनका जो है वो चैनल भी है सदाकत सियाल के नाम से। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाई थी जितना मुझसे हो सका, क्योंकि एक बेबी के साथ सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है ना मैंने अकेली ने सारा कुछ अरेंज किया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ट्राई किया कि मैं अपनी तरफ से अच्छा ही करूँ। और उम्मीद करती हूँ कि उनको हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो दावत है वो अच्छी लगी होगी। अच्छा ये लोग जो है ना वो मिंटू फैमिली व्लॉग के नाम से भी काफ़ी फेमस हैं। तो मेरे हस्बैंड के जो है ना वो काफ़ी करीबी जो है वो दोस्त भी हैं। तो मैंने सोचा चले उनको जो है ना अपने घर दावत पे बुलाते हैं, अफ्तारी पे बुलाते हैं, चलें जो है ना उनके साथ हमारी एक अच्छा जो है ना वो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना वो लोग आ गए थे अफ्तारी पे, यहाँ पे अफ्तारी जो है ना वो फाइनली स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे भाई और भाभी बैठे हुए हैं और इतने ये डाउन टू अर्थ हैं, इतना मज़ा आया इनसे मिलकर, यकीन करें। मतलब कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम किससे मिलें, और थोड़ा सा जो बंदा फेमस होता है थोड़ा सा एटीट्यूड वाला होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इतने अच्छे और इतना इखलाकी तौर पर जो है ना अच्छे से मिले हैं कि दिल खुश हो गया। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह ताला इनकी जो है ना उसमें कामयाबी इनको अता करे, और अल्लाह ताला जो है वो सबको जो लोग मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको जो है ना वो कामयाब करे यहाँ पे। अच्छा हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी तो इसलिए ना थोड़ी सी इतनी जान पहचान नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा हम लोग हिचकिचा रहे थे। तो इन्होंने भी अपना व्लॉग शेयर किया है, उसमें इन्होंने हमारा जिक्र जो है ना वो किया है, आप इनके चैनल पर जाके हमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग अफ्तारी कर रहे थे, इतना जो है ना वो बातें शातें करने का टाइम नहीं मिला। फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम दोबारा मीटअप का प्लान करेंगे, तो फिर वीडियो जो है ना वो बनाएंगे इनके साथ मिलके। तो भाभी भी जो है ना वो यूट्यूबर हैं, इनका भी अपना चैनल है किरण के नाम से, ठीक है। तो आप जाके जो है ना इनको देख सकते हैं। और सदाकत सियाल को तो जो है ना मेरे ख्याल में सब लोग जानते होंगे मिंटू फैमिली व्लॉग्स को। अफ्तारी वगैरह करने के बाद जो है ना वो मैंने फिर खाने का इंतजाम किया होता। आई नो कि खाना खाया तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता कि जो है ना वो ना बनाया जाए। फिर मैंने ये वाइट हांडी बनाई थी, साथ मैंने पुलाव बनाया था जितना मुझसे हो सका। आई नो ये बहुत कम है, इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद दोबारा से इनकी दावत करेंगे और दोबारा इनको जो है ना वो हम इनवाइट करेंगे और अच्छे से इनकी जो है ना वो दावत करेंगे। तो फिर जो है ना सबने खाना शाना खाया और इन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी की कि खाना अच्छा बना था, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि रोज़ा होता है ना तो फिर कुछ भी चेक भी नहीं कर सकता, बस जैसे हो सका जो है ना वो मैंने बनाया, और कुछ जो अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो माजरत है इनसे कि अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो। अच्छा चीज़ें वगैरह मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बात की थी कि चीज़ें वगैरह जो है ना उतनी मैटर नहीं करती जितना खुलूस और प्यार जो है ना वो मैटर करता है, ठीक है ना। आपकी अपनाइत किसी के साथ कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं एज़ कम्पेयर टू के चीज़ें, उन चीज़ों से जो है ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उनके लिए एक छोटा सा जो है ना वो गिफ्ट अरेंज किया, वो था भाभी के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रही थी और वैसे भी आगे ईद भी आ रही है तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई। तो एक ड्रेस जो है ना मैंने कहा वो तो बनता ही है, खाली हाथ जाएँ वो हमारे घर से ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनसे बोला है कि वो ड्रेस जो है ना अपनी वीडियो में पहन के दिखाएं उनको कैसा लगा है। मुझे उनके साइज़ का तो नहीं पता था, तो मैंने अपने साइज़ के मुताबिक ही जो है ना उनके लिए ड्रेस लिया था। तो आई होप कि उनको अच्छा लगा होगा ये छोटा सा मेरा गिफ्ट, मेरी छोटी सी जो ईदी कह लें, ठीक है। तो अगर उनको अच्छा लगी है तो फिर प्लीज़ जो है ना वो अपनी वीडियो में मुझे पहन के चेक करवाएं दिखाएँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो लोग जाने लगे थे अपने घर वापस, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था, उन्होंने अपने घर पहुँचना था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जो है ना वो दावत रही है। तो अगर आप लोगों ने को मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। मैंने अपना ईद शॉपिंग हॉल जो है ना वो शेयर कर दिया है, वो आप लोग लाजमी जाकर देख लें। फिर उसके बाद जी सारे बर्तन वगैरह मैंने समेटे और बर्तन शर्तन धोए, उसके बाद हम लोग आगे थे बाज़ार, क्योंकि टेलर के पास आना था। कुछ मैंने जो है ना कपड़े वगैरह दिए थे इनको स्टिच करने के लिए, मैंने कहा चलें वो जाते आते हम लोग उठा लेते हैं,
क्योंकि अब ईद पता नहीं कल हो जाती है या परसों हो जाती है, तो ये सारे वो ड्रेसेस हैं जो कि हमारे ईद मेन डे के हैं, तो इनकी मैंने फुल डिटेल वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जाकर लाजमी मेरी वीडियो देख लें और आपको कैसी लगी है मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। बस फिर टेलर के पास गए हैं और उसने इतना ज़्यादा बिल बना दिया था, आजकल तो है ना जो टेलर के चक्कर लगाना और टेलर की जो सिलाइयाँ हैं ना वो आसमान को छू दी हैं। तो ये मेरे बेटे का ड्रेस था, मेरे हस्बैंड के कुछ ड्रेसेस थे और मेरा ड्रेस था, तो वो भी हमने पिक किए और बस भी हम लोग आ गए, क्योंकि हम लोग बाज़ार की तरफ नहीं गए, इतना रश था कि बस ना ही पूछे, और वैसे भी सारा दिन के थक गए हुए थे, तो मैंने कहा बस अब घर जाके जो है ना वो रेस्ट करते हैं। तो जी आज का दिन और आज की अफ्तारी बहुत अच्छी रही है, इनसे मिल के बहुत बहुत मज़ा आया, और आप लोगों में से कौन कौन इनको जानता है मुझे कॉमेंट्स में आके आपने लाजमी बताना है, और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जाके इनको देख लें, सदाकत सियाल व्लॉग्स के नाम से जो है ना इनका चैनल है और मिंटू फैमिली व्लॉग्स के नाम से भी काफ़ी फेमस है। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।